ऑलराइट, तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है गैजेट के ऊपर और गैजेट आपको काफी ज्यादा पसंद आता है और वीडियो बनाने में मुझे भी काफी मजा आता है। तो कुछ गैजेट मैंने बाय किया है अमेज़न से जो सच में काफी यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है पहला गैजेट, वार्म एयर ब्लोअर। जैसा आप सभी को पता है ठंडी आ गई है तो काम करने में भाई बहुत ही आलस आता है, तो कुछ तो चाहिए। अब ऐसे तो आप जाकर हीटर वगैरह मार्केट से खरीद लोगे, मार्केट में जाकर बड़ा बड़ा सा हीटर आता है, बट क्या होता है कि कभी कभी हमें काम करना होता है और हीटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो पोर्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो ये जो हीटर है ये काफी पोर्टेबल है और काफी अच्छा भी है। तो चलो निकालते हैं बॉक्स में से, काफी इंट्रोडक्शन हो गया इसके बारे में। सबसे पहले दिखने में काफी क्यूट सा लगता है, जैसा देख सकते हो एकदम मस्त। इसमें आपको दो तीन कलर और भी देखने को मिल जाएंगे, तो जो कलर आपको लेना है आप ले सकते हो। सामने तरफ आयरन मेस है जिसमें से गर्म हवा निकलता है और आपको गर्मी का एहसास होता है। अब ये है कुछ इस तरह से, आप कहीं पे ले जा सकते हो, मन है कि बेडरूम से ऑफिस में ले जाना है तो आराम से ले जाओ, ऑफिस से बेडरूम में ले जाना है तो ले जाओ, आपके ऊपर है, छोटा सा है कहीं भी ले जाओ। तो कुछ इस तरह से इसका जो प्लग है आपको पावर बोर्ड में लगाना है और जैसे लगाओगे इसे ऑन करना है। पीछे की तरफ यहाँ पे स्विच दिया गया है, इसे बस ऑन करो। यह क्या गर्म हवा आ रहा है। एक चीज आपको बता दूं, विद इन 3 सेकंड गर्म हवा निकलना शुरू हो जाता है तो आपको गर्मी लगना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर आपको दिखा देता हूँ, अभी मेरे रूम का टेम्परेचर 24.6 के राउंड में है। तो डायरेक्ट यहाँ पे फोकस करेंगे तो गर्मी तो काफी ज्यादा रहेगा, 80 चला जाता है। ठंडी के महीना है बस आपका हाथ और पांव यही रहता है खुला हुआ, तो वहीं पे ठंडा लगता है, तो पर्टिकुलर उस जगह के लिए आप रख सकते हो और आपको गर्मी का एहसास होगा और काफी अच्छा लगेगा। और ये जो पावर लेता है ये 500 वाट लेता है, तो मैं बोलना चाहूंगा ठीक है, गर्म और ठंडा वाला जो चीज होता है ये ऐसे भी थोड़ा ज्यादा पावर लेता है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप बाय कर सकते हो। सेकेंड, ये जो छोटा सा आपको गैजेट दिख रहा है भाई ये इतना यूजफुल है क्या ही बताऊं। हाँ थोड़ा सा महंगा है लेकिन यूज समझ जाओगे तो हो सकता है आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो जाए। चलो बॉक्स में से निकालते हैं, कुछ तो गिरा है। यूजर मैनुअल। ये जो छोटा सा केबल है ये AI नॉइस कैंसलिंग माइक एडेप्टर है। इसका यूज आप दो तरह से कर सकते हो, या तो आप स्ट्रीमर हो, गेम का स्ट्रीमर हो या जो भी आप करते हो, या आप एक कॉल सेंटर में रहते हो या आपको कॉल काफी ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट कॉल, तो उस समय इसका यूज आप काफी ज्यादा कर सकते हो। लाइक इसे जस्ट आपको फोन के टाइप सी में लगाना है और कोई भी नॉर्मल सा ईयरफोन लेकर इसमें लगा दो, आप कॉल पर आराम से आप बात करो, आपके जो बैकग्राउंड का नॉइस होगा वो उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। 99.9% पूरा नॉइस कैंसिल कर देता है और सामने वाले को ऐसा लगेगा यार ये बंदा है कहाँ, आवाज ही नहीं आ रहा है। तो ये काम करता है ये। यहाँ पर आप एक सैंपल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से वर्क करता है। एक बार इसे लगाकर आपको दिखाते हैं और एक बार बिना लगाए हुए सैंपल दिखाते हैं, आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा। ऑलराइट, तो गाइस अभी जो आपको साउंड सुनने को मिल रहा है ये भी नॉर्मल ईयरफोन से हो रहा है, यहाँ पे वो गैजेट मैं अभी यूज नहीं किया हूँ। और रुको, अभी तो आवाज क्लियर आ रहा होगा आपको, अब आवाज सुनो। अभी आपको आवाज में काफी नॉइस आ रहे होंगे जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे मैं हेयर ड्रायर चला रहा हूँ और आवाज काफी तगड़ा आ रहा होगा। तो इस सिनेरियो में अब इस गैजेट का यूज करते हैं और देखते हैं कितना नॉइस को ये रिड्यूस करता है। ओके, सेम यहाँ पे हेयर ड्रायर चल रहा है और आपको नॉइस का अंदाजा लग गया होगा कि नॉइस कितना आ रहा है और क्या आ रहा है, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रहा है। हाँ एक चीज नोटिसेबल है, लाइक इसका जो क्वालिटी है ऑडियो का ये थोड़ा सा कम हो जाता है, लाइक कंप्रेस टाइप का आपको फील होगा, बट मैं इतना बोलना चाहूंगा कि डेफिनेटली पहले वाले से तो अच्छा अभी वाला है। इसमें आपको एक छोटा सा कनेक्टर मिलता है जिसे आपको लैपटॉप में लगाना है, फिर आप नॉर्मली इसे कनेक्ट करो और स्ट्रीम करो, आपको काफी अच्छा फील होगा, मैं गारंटी देता हूँ। थोड़ा सा महंगा है बट बहुत यूजफुल है, इसे आपको ट्राई करना चाहिए अगर आपके यूज का है तो। ओके, थर्ड, ये जो गैजेट है ये थोड़ा सा अलग होने वाला है। एक आता है 100-150 का चश्मा जो आपको रोड पे मिलता है, एक आता है 1500 से 2000 का चश्मा जो थोड़ा और अच्छा क्वालिटी का आता है, एक आता है ये चश्मा और दो तीन आता है, एक स्मार्ट ग्लास आता है, उसके बाद आप लग्जरी प्रीमियम जो ग्लासेज आते हैं वो सब आप ले सकते हो, बट ये थोड़ा अलग होने वाला है, थोड़ा नहीं बहुत अलग होने वाला है। चलो बॉक्स में से निकालते हैं मैजिक। ओके, इसमें आपको माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल दिया गया है तो यानी ये चार्ज भी होता है। अब इसका लुक देखो एक बार, पूरा रोबोट वाले फील आता है इसे लगाने के बाद, फ्यूचरिस्टिक लगता है और प्लस में काफी कूल भी लगता है। अब जितना कूल ये दिख रहा है उससे ज्यादा इसे यूज करके आपको कूल फील होगा, कैसे बताता हूँ। इसे जस्ट आपको लगाना है, यहाँ पर एक पावर ऑन ऑफ बटन है, इसे ऑन करना है, ऑन हो गया, बैटरी डाउन है, तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है जो LED लाइट इसके ऊपर नीचे लगा हुआ है, तो ये काफी अच्छा कूल इफेक्ट देता है और इसे लगाकर मस्त पार्टी वगैरह में डांस करो और मजे करो, काफी इंजॉय करोगे। अब इतना ही नहीं है, इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे, ऐप के थ्रू। तो ऐप आपको डाउनलोड करना है फंकी ग्लासेस, डाउनलोड करने के बाद अब इसे हम कस्टमाइज करते हैं। तो यहाँ से आप सबसे पहले ब्राइटनेस को कम और ज्यादा कर सकते हो, जिसमें लाइट जल रहा है ना इसे आप कम और ज्यादा भी कर सकते हो लाइट को। तो देखो ये हो गया सबसे कम और ये हो गया इसका ज्यादा।
अब इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और भी इफेक्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, जहाँ से आप एनिमेशन चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट भी लिख सकते हो। तो मुझे भी टेक्स्ट एडिट करना है, वाओ लिखना है और इसके बाद एनिमेशन सिलेक्ट करना है और गो। एज यू कैन सी यहाँ पे वाओ लिखा आ रहा होगा और काफी कूल लगता है, तो अपने हिसाब से जो लिखना है लिख सकते हो, लव, वाओ, बॉस, जो लिखना है लिखो, काफी अच्छा दिखता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे अपने हिसाब से एनिमेशन भी लगा सकते हो, जैसे ये देखो ये कुछ अलग ही हो रहा है, तो दिल वगैरह भी बना सकते हो, काफी अच्छा दिखता है और इसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। यस, यहाँ पे आप जिस तरह से ड्रॉ करोगे उसी तरह से यहाँ पे भी ड्रॉ होगा और वो भी आप क्रिएट कर सकते हो अगर आपको कुछ अपने हिसाब से बनाना है। तो आप यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सब से लिख दिया है तो सब्सक्राइब कर लो। इतना ही नहीं, इस चश्मा को आप म्यूजिक के हिसाब से भी सेट कर सकते हो, यानी कि जो म्यूजिक का बीट होगा सेम वैसा ही इफेक्ट इस पे भी आएगा। तो देखो, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का मैंने म्यूजिक का सेट किया है और जिस तरह का म्यूजिक का बीट है उस तरह से यहाँ पर भी हो रहा है, जो काफी कूल लगता है। है ना, काफी कूल सा चश्मा। तो इसे लगाकर पार्टी वगैरह भी एंजॉय कर ही सकते हो और साथ में थोड़ा बहुत फन के लिए भी यूज कर सकते हो। और एक चीज बता दूं, इसका जो बैटरी है 5 घंटा चलता है 2 घंटा चार्ज करने पे, तो मुझे ये थोड़ा सा लगा ठीक है, बट यार 3500 के राउंड में आता है, थोड़ा महंगा है, बट अगर ऐसे ही लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ऐसे रिकमेंड नहीं है, बस मुझे अच्छा लगा तो मैं ऑर्डर कर लिया, कूल दिखता है इसलिए। ओके, ये फोर्थ गैजेट। अब ये जो गैजेट है ये भी थोड़ा अलग है, ये नॉर्मल थर्मामीटर है जो डॉक्टर के पास आप देखते होंगे, एक आता है 30 रुपए का और एक आता है 100 या 110 रुपए का, और ये है भाई साहब 350 का थर्मामीटर, और इसका यूज भी सेम है बट कुछ अलग है, इसलिए ये गैजेट में इंक्लूड है। बॉक्स में से निकालते हैं तो ये दिखता कुछ ऐसा है, देख सकते हो यहाँ पे सामने तरफ डिस्प्ले है और इसके पास सेंसर है और लाइट जलता है। ये जो टाइप सी आप देख रहे हो इसे आपको अपने फोन में लगाना है, तो जैसे ही फोन में लगाओगे ये कनेक्ट हो जाता है, यानी कि पावर ऑन हो जाता है, और जस्ट आपके बॉडी के पास लाना है। ये आपका टेम्परेचर बता देगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है, देख सकते हो यहाँ बॉडी का टेम्परेचर कुछ इतना है। तो मुझे लगा ये जो गैजेट है हो सकता है इसका टेम्परेचर जो बता रहा है ये गलत हो, तो मैं इसे चेक किया ओरिजिनल थर्मामीटर से, जिसमें हम एक्चुअल देख सकते हैं कितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर है। तो जस्ट 1 मिनट, मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हो 97.8 और इसमें 98.8, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बट मैं बोलना चाहूंगा काफी जल्दी डिटेक्ट करता है, तो यूज में ले सकते हो, ऐसे मेडिकल पर्पज के लिए इसे यूज किया जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, तो ये आप ध्यान रखना। ओके, अब इसके बाद बैटरी वगैरह चार्ज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको फोन में या किसी भी टाइप सी वाले में लगाना है, ये ऑन हो जाएगा और फिर यूज करो आराम से, पर्स में भी रख सकते हो, कैरी कर सकते हो, काफी इजी है कैरी करना, तो अच्छा लगा मुझे और काफी सस्ता आता है तो यूज कर सकते हो। ओके, ये लास्ट गैजेट बहुत यूजफुल, लास्ट है फिर भी यूजफुल है, ऐसा नहीं कि लास्ट है तो यूजफुल नहीं होगा, लास्ट में रखे हैं तो इसका क्या मतलब यूजफुल नहीं होगा, होगा दिखाता हूँ। ये एक मिनी बैग सीलिंग गैजेट है जिसका यूज काफी ज्यादा है, किचन में रख दो मम्मी काफी खुश होगी, क्यों बताता हूँ। जैसे आप 20 या 50 का कुरकुरे का ले आते हो या चिप्स का पॉकेट ले आते हो, तो क्या होता है बस एक बार खाएं और दूसरा बार खाने का मन किया तो या तो उसी समय खत्म करना पड़ता है या नहीं तो उसे रख देते हैं ऐसे ही, तो वो क्या होता है, यस वो खराब हो जाता है। तो खराब होने के बाद खाने में मजा नहीं आता, ऐसे मुझे खराब वाला ही खाने में मजा आता है, मतलब वो जो रहता है ना बाद में खाने में और मजा आता है कुरकुरे, ये मेरा पर्सनल चॉइस था, बिना क्रंची। या इस सीलिंग गैजेट का यूज आप दो तरह से कर सकते हो, एक तो सील कर सकते हो, दूसरा फाड़ भी सकते हो, दिखाता हूँ कैसे। मान लो इस प्लास्टिक में मैं अपना फोन डाल रहा हूँ और आपको बाहर जाना है और काफी तेज बारिश हो रही है, तो जस्ट आपको क्या करना है, इसे सील कर लो थोड़ा स्लोली। तो ये अब सील हो चुका है जैसा देख सकते हो, ये फोन अब गिरेगा नहीं और बारिश में आराम से सब यूज कर सकते हो, इसके अंदर पानी भी नहीं जाएगा। प्लस वाला से सील होता है और माइनस वाले से कट होता है, तो माइनस वाले से अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब मुझे फोन निकालना है, अब देखो आराम से आप फोन निकाल लो और यूज करो। तो इस गैजेट का यूज करके आप किसी भी सामान को पैक कर सकते हो जो हवा की वजह से खराब हो जाता है, तो इसके वजह से अब नहीं होगा, सील कर दो, रख दो आराम से। ओके, गैजेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप बाय कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मानो कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको इस तरह का वीडियो देखना अच्छा लगता है, कुछ नहीं करना है, इन्वेंशन डिस्ट्रॉयर को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। मिलते हैं आपसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।